गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल रीड द थीफ स्टोरी फ्रॉम द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इन दिस स्टोरी ए यंग बॉय नेम्ड अनिल, ही वॉज वेरी डिसेंट पर्सन, एंड द अनदर यंग मैन यंग बॉय ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हरीश सिंह, ही वॉज थीफ, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन theory, but the goodness of Anil changed him and reformed him into a gentle person. How does all things happen? Let's see. And this story is narrated by the thief himself. He is the narrator of this story also. So he tells the story in his own words. He says, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, he says that he was still a thief. वो उस समय भी चोर था जब वह अनिल से मिला और वह 15 years old था. I was an experienced and fairly successful hand. कहता है कि मैं एक experienced तजर्बेकार veteran and fairly successful hand, और एक सफल थीफ था जो रोब करता था पीपल को सक्सेसफुली. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. वो कहता कि अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उससे मिला. ही वॉज अबाउट 25, वह 25 ईयर्स ओल्ड था, एंड टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. वो कहता कि लंबा था वो, हाइट में 25 ईयर्स ओल्ड था, पतला था और लुक्ड इजी गोइंग. इजी गोइंग मीन्स केयर फ्री. वो केयर फ्री था, जिसको आसानी से, मीन्स ही डजंट केयर मच अबाउट द थिंग्स. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. कहता काइंड था, दयालु था, सिंपल था, डिसेंट था, ही वॉज गुलेबल था, एंड इनफ सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. मेरे पर्पज के लिए, मीन्स मैं उसको, राइटर कहता कि आई कुड इजीली रोब हिम, ही वॉज सो सिंपल. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कहता है कि I hadn't had much luck of late. आजकल जो मेरी जो luck था, destiny थी, fate था, वो ठीक नहीं चल रहा था. And I might be able to get into young man's confidence. और मैं young man जो कि अनिल था 25 years old, उसके confidence को win कर सकता था. You look a bit of wrestler yourself, I said. अब मैं उसके पास गया हूँ. He was watching the wrestling match. I went to him and asked and told him, You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. मैंने उससे कहा, अनिल से, writer says that आप you look wrestler yourself, आप खुद भी एक wrestler दिखते हो. और मैंने थोड़ी सी फ्लैटरी की उसकी, कि फ्लैटरी से भी फ्रेंडशिप बन जाती है, ऐसा उसने कहा. सो डू यू, ही रिप्लाइड. और अनिल ने कहा हरी सिंह को, हु वॉज ए थीफ, हरी सिंह वॉज ए थीफ एंड अनिल वॉज ए जेंटल पर्सन. सो डू यू, ही रिप्लाइड, ऐसे ही आप भी दिखते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज अ रादर थीम. और उसके जवाब ने मुझे पुट मी ऑफ, कुछ समय के लिए साइलेंट कर दिया, चुप कर दिया. और क्योंकि बिकॉज एट द टाइम आई वॉज थिंग, वो कहता है कि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट. फिर मैंने पोलाइटली जवाब दिया, आरी सिंह कहता है. आई पोलाइटली आंसर्ड हिम कि आई डू रेसल ए बिट, थोड़ी बहुत करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है. फिर हरीश सिंह, आई लाइड अगेन. अब जो थीफ था उसने आंसर किया हरीश सिंह, और कहता मैंने फिर से झूठ बोला. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. कहता कि मैं हर महीने अपना नाम बदलता रहता, जो मुझे पुलिस से और अपनी जो पूर्ववर्ती पहले के फॉर्मर जो एम्प्लॉयर थे जिन्होंने उनको नौकरी दी थी, उससे वो बच निकलता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल
talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. अब इस इन द मीन टाइम अनिल उन जो ऑयल लगा के जो रेसलर होते हैं उन्होंने ऑयल अपना बॉडी से लगा रखा था उनकी बातें बारे में बातें करता हुआ कहता है कि देवर वेल ऑयल्ड रेसलर हुआ ग्रंटिंग जो कि गुर्रा रहे थे लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे आई डिडंट हैव मच टू से और हरी सिंह कहता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था अनिल वॉकड अवे आई फॉलोड कैजुअली अब कहते हैं कि अनिल फिर रेसलिंग देखे आफ्टर फिनिशिंग द रेसलिंग ही वेंट टू हिज होम एंड आई फॉलोड हिम कैजुअली ऐसे ही लापरवाही से हेलो अगेन ही सेड उसने कहा हेलो कहा उसने आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड मैंने अपनी जो आकर्षक स्माइल उसको दी और मैंने कहा कि मैं आपके लिए हरीश सिंह ने कहा अनिल को कि मैं काम करना चाहता हूँ आपके लिए बट आई कांट पे अनिल ने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट फिर मैंने एक मिनट के लिए सोचा परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन मैंने मिसजज होता है गलत इंटरप्रेट करना कि इस आदमी को मैंने जो इंटरप्रेट किया है जिसको मैं बेफूल करना चाहता था वो डिसीजन गलत था आई आस्क्ड मैंने पूछा कैन यू फीड मी क्या आप मुझे खिला सकते हैं मीन्स कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट कैन यू कुक अनिल ने पूछा क्या आप खाना बना सकते हैं आई कैन कुक आई लाइड अगेन अब हरीश सिंह कहता है कि मैं हाँ बना सकता हूँ आई कैन कुक एंड ही सेड दैट ही लाइड अगेन इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं आपको खाना दे सकता हूँ He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me that I could sleep on the balcony. अब वो Jumna sweet shop के ऊपर ले गए मुझे और कहा कि आप यहाँ पर balcony में सो सकते हैं But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. बट द मील आई कुक दैट नाइट अब हरीश सिंह कहता है कि जो खाना मैंने उस रात पकाया था वो इतना टेरिबल था भयानक था ख़तरनाक था टेस्टलेस था कि उसने अनिल ने उस खाने को स्ट्रे डॉग को देना पड़ा खिलाना पड़ा एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ और मुझे कहा कि मेरे से आज दूर रहो बट आई जस्ट हैंग अराउंड तो कहता है कि हरीश सिंह कि मैं फिर भी उसके आसपास मंडराता रहा Smiling in my most appealing way, उसकी तरफ एक attractive smile देते हुए and he couldn't help laughing, और वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया Later he patted me on the head and said, never mind. फिर उसने मुझे थपथपाते हुए कहा कोई बात नहीं consolation दिया कोई बात नहीं If you cooked tasteless food, it's okay, don't mind. He would teach me to cook. उसने कहा कोई बात नहीं इट्स ओके डोंट माइंड आई विल ही सेड दैट ही वुड टीच मी हाउ टू कुक अनिल सेड दिस वर्ड टू द हरी सिंह ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम्स एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स अब अनिल ने उसको अश्योर्ड किया कि he would teach him how to write, how to read, and how to write correct sentence. I was grateful. अब उसने कहा कि हरीश सिंह ने अनिल को कहा कि I was grateful. मैं बड़ा thankful था उस व्यक्ति के लिए. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. हरीश सिंह ने सोचा अगर एक बार हरीश सिंह thought that if He learned once he would be able to earn a lot of money by his education. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. अब कहता है हरीश सिंह कि अनिल के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगा और उसके लिए सुबह चाय बनाता और फिर दिन के लिए जो शॉपिंग का काम होता है इन द मार्केट का काम बाजार का काम वो फिर करता उसके बाद
यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और उस शॉपिंग में से एक रुपया डेली वो बचाता था, सेव करता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. अब कहता कि मुझे इस बात का आभास था कि अनिल को इस बात का पता है कि मैं जो डेली एक रुपया बचाता हूँ, लेकिन उसने इस बात को माइंड नहीं किया. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स. अनिल जो था 25 इयर्स यंग मैन, ही अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली नहीं करता था, कभी कभार काम करता था. ही वुड बोरो वन वीक एंड लेंड द नेक्स्ट वीक. वो एक सप्ताह पैसे उधार लेता और अगले सप्ताह पैसे फिर रिटर्न कर देता. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अपने अगले चेक जो कि काम करके उसको मिलता उसका वेट करता. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जो ही एज सुन एज ही रिसीव्ड द मनी ही वुड एंजॉय, ही वुड स्पेंड विद हिज फ्रेंड. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगा इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन. अब हरी सिंह कहता है कि ऐसा लगा मुझे कि वो मैगजीन के लिए काम करता है, राइटिंग का काम. ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, इट वॉज ए स्ट्रेंज वे फॉर अर्निंग इज ब्रेड एंड अर्निंग मनी, इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज अकॉर्डिंग टू हरी सिंह हु वॉज ए थिफ. वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू द पब्लिशर. एट नाइट एज आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. एक दिन अनिल आया, उसने हरी सिंह को कहा एक नोट का बंडल कि मैंने पब्लिशर को ये बुक दी है. ही टोल्ड हिम दैट आई सबमिटेड ए बुक टू द पब्लिशर एंड इन रिटर्न ऑफ दैट वर्क ही गोट दैट बंडल ऑफ मनी विच ही पुट अंडर द मैट्रेस एंड द ऑल थिंग्स हरी सिंह सा विद हिज ओन आईज पुटिंग द बंडल ऑफ नोट अंडर द मैट्रेस. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. अब कहता कि मुझे एक महीने से, हरी सिंह सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर मोर देन ए मंथ विद अनिल, बट ही सेड दैट ही डिडंट चीट हिम एक्सेप्ट फ्रॉम द शॉपिंग विच बाई शॉपिंग ही अर्न ओनली 1 rupees ए डे. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. और कहता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी चांस था उसको चीट करने का. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर. अनिल ने अब जो डोर अंदर मकान का जो रूम का जो डोर होता उसकी उसको की दी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस. डोर में उसको दे सकता था, ले सकता जब उसका मन हो. मीन्स जब भी घर में आने जाने का मन हो तो वो उसको ओपन करके इन हिज अब्सेंस ही कुड एंटर द रूम एंड एग्जिट एज ही विश्ड. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वो कहता कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था जो मैंने अब तक देखा था. And that is why it was so difficult to rob him. और इसलिए उसको ऐसे decent, generous person को रोब करना, लूटना was very difficult. It is easy to rob a greedy man. According to हरी सिंह, he said that it was easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. अब उसको लूटना जो है, लूटने का कहता कि मजा किसको, greedy man को, क्योंकि वो afford कर सकता है. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन. लेकिन एक केयरलेस जो पर्सन होता है, लापरवाह, नेग्लिजेंट, उसको लूटना काफ़ी डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू हरी सिंह हु वॉज अ थिफ 15 years old यंग किड. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस दैट ही हैज़ बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. कहता है कभी कभार मैं उसको थोड़ा बहुत लूटता तो उसको पता भी नहीं चलता. अनिल didn't notice that he had been robbed. And हरी सिंह said that it was out of pleasure. उसके profession के हिसाब से उसमें कोई pleasure नहीं था, कोई entertainment नहीं था.
वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अब कहता कि सही काम करने का समय आ गया था, ये जिसको लूटने का समय, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ये बात अपने आप को बताई, हरी सिंह ने कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब कहता कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, क्योंकि उसके साथ ऑनेस्टली काम करा था, ओनली वन डे ही वॉज अर्निंग विदड्रॉइंग फ्रॉम द शॉपिंग एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अब कहता कि अगर मैंने ये पैसे नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, ये सारा पैसा अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट करेगा, इंजॉय करेगा, सेलिब्रेट करेगा, आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे फॉर मी, कहता इसके बावजूद उसने मुझे कुछ कोई पैसे दिए भी तो नहीं एज ए सैलरी। सो स्टूडेंट, द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन यू विल बी टॉट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड दिस इज क्लियर मैसेज ऑफ दिस लेसन दैट इवन ए थिफ can be reformed by the decency, and this lesson the writer Ruskin Bond convey the message through these two young men that even a thief, even a bad person can change into a good person. So till then, keep practicing, keep learning, have a great day, may God bless you.